हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजियंस के बारे में। तो चलिए ग्राफ में रीजियन क्या होता है बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात ये आता है कि रीजियन जो है बहुत ही सिंपल चीज़ है बेसिकली। तो रीजियन होने के लिए ग्राफ में, रीजियन होने के लिए सबसे पहले चीज़ तो आओ प्लानर ग्राफ होना पड़ेगा। तो प्लानर ग्राफ में हम जल्दी से ईजिली फाइंड कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ रीजियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक प्लानर ग्राफ है। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। ये एक प्लानर ग्राफ है। तो यहाँ पे और एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रीजियन मैं अगर बोलूँ तो ये एक रीजियन, ये एक रीजियन और ये एक रीजियन, तीन रीजियन है। और सबसे बड़ी बड़ी बात, यहाँ पे अगर ग्राफ को मैं इधर से एक तरफ बॉक्स कर दूँ तो इसके बाहर भी एक रीजियन होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रीजियन है बेसिकली। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब थोड़ा बताता हूँ मैं कि रीजियन मतलब क्षेत्र। तो ये जो मतलब ब्लॉक बनता है ना, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो ये हम बोलते हैं रीजन। तो अगर ये ग्राफ है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये एक रीजन होगा और इसके बाहर भी एक रीजन होगा। ग्राफ के बाहर भी, मतलब ग्राफ के बाहर मतलब वो ब्लॉक के बाहर भी एक रीजन होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रीजन का डेफिनेशन बोला जा रहा है कि इफ़ जी इज़ ए प्लानर ग्राफ, तो प्लानर ग्राफ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एज क्रॉसिंग होगा, यहाँ पे अगर एज क्रॉसिंग होगा तो यहाँ पे हम रीजन बना नहीं सकते, ठीक है। तो प्लानर ग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ जी, तो बोला जा रहा है कि जी, इफ़ जी इज़ अ प्लानर ग्राफ देन एनी प्लेन ड्राइंग ऑफ जी डिवाइड द प्लेन इनटू रीजियंस। तो जी, एनी प्लेन ड्राइंग ऑफ जी डिवाइड द प्लेन इनटू रीजियन। तो अगर सिंपली प्लेन ड्राइंग का मतलब सिंपल लाइन, तो एनी प्लेन ड्राइंग ऑफ जी डिवाइड्स द ग्राफ इनटू, डिवाइड्स द प्लेन इनटू रीजन। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ग्राफ है। यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो इस ग्राफ को दो रीजन में बांटता है और बाहर तो रीजन है ही, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। आप सिंपली ऐसे समझो कि यहाँ पे मैं अगर पानी छोड़ता हूँ, ये पानी कहाँ तक सीमित होगा, ये पानी इस ब्लॉक के अंदर सीमित होगा, तो इसे हम इसलिए एक रीजन बताते हैं। यहाँ पे पानी छोड़े तो यहाँ पे पानी इस ब्लॉक के अंदर ही सीमित होगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक रीजन बनता है। तो अगर कुछ ग्राफ ऐसा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कितने रीजियन हैं। तो एक रीजियन तो यहाँ पे बनता है, मतलब ग्राफ के बाहर, और एक रीजियन ये अंदर पे बनता है, तो दो रीजियन है। लेकिन यहाँ पे एज देखिए, यहाँ पे जो एज है और ये जो वर्टेक्स है, तो ये रीजियन बेसिकली, ये वाला वर्टेक्स जो है ये रीजियन बना नहीं पा रहा है। मतलब ये वर्टेक्स अगर इस तरह से इसको ब्लॉक कर देता तो हम बोलते अच्छा एक रीजन है। तो इस वर्टेक्स ने ब्लॉक नहीं किया, मतलब सिंपली है, तो मतलब यहाँ पे सिंपली आप समझो यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये, तो यहाँ पे देखिए आप एक रीजन यहाँ पे बनता है। तो पानी छोड़ोगे आप पूरा इस एरिया को कवर कर लेगा। रीजन मतलब सिंपल क्षेत्र हिंदी में बोले तो। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि फाइंड, यहाँ पे इग्नू पे ही क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द नंबर ऑफ रीजियंस इन ए ट्री, अ साइकिल एंड K4 मतलब कंप्लीट ग्राफ। तो ट्री पे आप देखिए, ट्री पे कोई साइकिल तो बनता नहीं। अब जहाँ पे साइकिल नहीं बनता तो वहाँ पे रीजियन तो होगा नहीं। तो मतलब, तो यहाँ पे बात यह आता है ट्री पे रीजियन सिर्फ एक होगा। मतलब यहाँ इसको अगर मैं ब्लॉक करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक ट्री है हमारा, तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बनता, तो सिंपली ये एक रीजियन है। सिंपली यहाँ पे देखिए, आप इधर पे पानी छोड़ोगे तो ये ग्राफ को पूरा कब्जा कर लेगा। मतलब एक रीजन के अंदर आता है ये ट्री। साइकिल नहीं है तो मतलब सिंपल बात है, एक रीजन हो गया।
और यहाँ पे देख साइकिल, देखिए साइकिल ग्राफ क्या होता है, साइकिल ग्राफ पे कितने रीजन होते हैं। साइकिल ग्राफ के अंदर आप देखोगे, कोई भी साइकिल ग्राफ ले लो, साइकिल ग्राफ के अंदर का एक रीजन और बाहर का एक रीजन, दो रीजन होता है। और बोला जा रहा है K4 यानी कि कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, कंप्लीट ग्राफ K4, K4 मतलब चार फोर वर्टेक्स, तो यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन और यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, और ये अगर हमारा पूरा ग्राफ है और ग्राफ के बाहर चार, तो चार टोटल रीजन, ठीक है। तो यहाँ तक रीजन का बात हमको समझ में आता है। तो चलिए प्लानर ग्राफ रीजन के ऊपर एक यूलर फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं। तो यहाँ पे मैं यूलर फॉर्मूला को बताऊंगा आपको। तो क्या है यूलर फार्मूला, उससे पहले कुछ ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से यूलर फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो देखिए कोई ग्राफ है, हम यूलर फार्मूला से बता सकते हैं कि उस ग्राफ में कितने रीजन होंगे, मतलब ना गिन के ही। तो सिंपली मैं इधर पे कुछ कंडीशन लेता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो वी वी का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे, ई मतलब नंबर ऑफ एजेस, और आर मतलब रीजियन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक एक ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है और उसमें एज है 6, तो वहाँ पे आप रीजन काउंट करोगे तो उसमें 4 मिलेगा। ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, बट ये इसको डिराइव करने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्टेक्स 8, नंबर ऑफ एज 12 एंड नंबर ऑफ रीजन उसमें क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप 6 वर्टेक्स का एक ग्राफ लो एंड 12 एजेस हो उसमें, तो वहाँ पे रीजन आप काउंट करोगे तो 8 निकलेगा। अब आप एज ये वाला चीज़ काउंट काउंट करो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो यार, ये वाला चीज़ यहाँ पे बी पे पुट करो 4, ई पे पुट करो 6 और आर पे पुट करो 4, तो देखो क्या आंसर आता है। देख लिया, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। यहाँ पे वी पे 8 पुट करोगे, आर ई पे 12 पुट करोगे एंड आर पे 6 पुट करोगे, मतलब 8 - 12 + 6 करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा। यहाँ पे 6 12 8 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो जो कोई भी अब कंडीशन ले लो, ये वी माइनस ई प्लस आर 2 ही आएगा, एकदम गारंटेड, कोई भी कंडीशन ले लो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि यूलर जो फार्मूला दिए थे हमको, वी माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू, ये था हमारा यूलर्स फार्मूला फॉर प्लानर ग्राफ, ओके। तो अब यहाँ को इस चीज़ को, अच्छा आर को मैं स्मॉल लिख लेता हूँ, हमने स्मॉल लिया था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये निकल कर आता है, इसको मैं थोड़ा इस इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करूँ, कि यहाँ पर R को रहने देते हैं और V और E को उस साइड पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 E को उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस E, V को उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस V। तो रीजन नंबर ऑफ रीजन इक्वल टू 2 प्लस E माइनस V, तो क्या निकल कर आता है, कोई भी ग्राफ का नंबर ऑफ रीजन क्या होगा, एज माइनस वर्टेक्स प्लस 2, अप्लाई करके देख लीजिए आप। तो इस फॉर्मूला को हम कोई भी ग्राफ में पुट करना चाहे तो हमें इजीली आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको बोला जाए कि एक ट्री में कितने रीजन है, तो आप इस ग्राफ से बता सकते हो। एक सर्किल C6 दिया गया है, उसमें कितने रीजन है, वो भी यहाँ से बता सकते हो। C6 के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, और ट्री के लिए बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसे ही बता सकते हो ट्री में कितना है। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ दिया जाए तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करके ही बोल सकते हो यहाँ पे कितने रीजन है। चलिए एक प्रूफ देख लेते हैं, मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ। आपको पता है कि ट्री के लिए, ये एक ट्री है, मैं छोटा सा एग्जांपल नहीं आऊँ, अच्छा चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि, अच्छा ये ट्री है, तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मतलब ट्री का रीजन कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपली ट्री के लिए हमें ये आर का आंसर 1 आएगा, ये तो कंफर्म है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 2 प्लस यहाँ पे कितने एजेस है, 1 2 3 4, 4 एजेस, माइनस कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स। तो चलिए
टू प्लस फोर किया आया कितना, सिक्स माइनस फाइव आया कितना, वन। तो नंबर ऑफ रीजन ट्री के लिए कितना आया, वन। इसी तरह से आप करके देखिए, कोई भी वर्टेक्स ग्राफ बनाइए और देखिए ये आंसर ट्रू आता है कि नहीं। ठीक है, तो होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल आपका एग्ज़ाम भी है, पता है थोड़ा लेट हो गया वीडियो को अपलोड करते करते, एकदम वक्त नहीं मिला, लेकिन दो दिन में जितना हो सके मैंने किया, ऑलमोस्ट सब कुछ ही मैंने कराने की कोशिश किया, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यही रहने देते हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नए हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।